हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अलडिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप आगे आने वाली सभी वीडियो देख सकें। और दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ फाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 बार। कब कब दिया? तो वो दिए 1925 और 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। अगर दोस्तों बात की जाए बदरुद्दीन तैयब जी की, तो ये थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ? क्वेश्चन क्या है, डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंजाब। और किसने किया? दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं, डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया। किसने किया? चमन दीव ने। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजहर उल हक। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रामस्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दयाल दास। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलकत्ता। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्न में से कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया?
राइट आंसर ऑप्शन बी नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया। क्वेश्चन है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। क्वेश्चन क्या है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है। राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। राइट आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। क्वेश्चन क्या है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। इसमें है राष्ट्रपिता और पहले में था महात्मा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की। राइट आंसर ऑप्शन सी गांधी जी। दोस्त आपके नॉलेज के लिए बता दूं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा। राइट आंसर ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन डी एम जी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राइट आंसर अपना ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए देशबंधु चिरंजन दास। सॉरी दोस्तों ये लिखने में मिस्टेक हुई है, यह है देशबंधु चितरंजन दास। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।